हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके वीटी। तो दोस्तों, आगे हम आपके सामने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बड़ा अनबॉक्सिंग। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया। अबे ये क्या खुल गया भाई, बोया बाई एम वन का माइक अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया बाई एम वन का माइक। तो गाइस, काफ़ी दिनों से आपका कमेंट्स आ रहा था कि भाई आपकी वीडियो में साउंड क्वालिटी कम आता है, अच्छे से आपका आवाज़ नहीं आता है। तो गाइस, इन सब को नज़र में रखते हुए फाइनली मैं बहुत ही दिक्कतों का सामना करके फाइनली मैं बोया बाई एम वन का माइक परचेस कर लिया हूँ। तो गाइस, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका थोड़ा सा अलग लेवल में अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसका सबसे पहले चलिए मैं इसका क्लोज लुक दिखाता हूँ इसके डिब्बे का, इसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, वीडियो में पूरा आखिर तक कंटिन्यू बने रहना। और गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड और प्रैंक से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बोया बाई एम वन माइक को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो गाइस फाइनली आ चुका है मेरे पास। और चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, ये तो पहले से खुला हुआ है क्योंकि मैं इसको एक बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, ये है एक फ्लिपकार्ट का डब्बा और इसमें फ्लिपकार्ट का टेप लगा हुआ है। तो गाइस, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, अनबॉक्सिंग करने के बाद आप हमेशा एक बात का ध्यान देना कि आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। इस बात को गाइस हमेशा से ध्यान में रखना और अनबॉक्सिंग के बाद इस चीज़ को ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, इसको कम्प्लीटली अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से है बोया बाई एम वन माइक का बॉक्स। तो गाइस, यहाँ पर इसका बार कोड दिया हुआ है और यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा होगा बोया का ब्रांड। तो गाइस, चलिए इसको पूरा कम्प्लीटली अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर चुका था, लेकिन गाइस आपके सामने एक वीडियो लाने के लिए इसको मैं दोबारा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, ये तो टूट चुका है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं लेदर का क्लॉथ है और गाइस कुछ इस तरीके से खुलता है और इस तरीके से बंद हो जाता है। तो गाइस, ये जो लेदर का क्लॉथ है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा बनाया है बोया ने। और आप लोग ये देख सकते हैं बोया का जो क्लॉथ है उसमें बोया का ब्रांड भी दिया हुआ है। और गाइस, चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ दिया हुआ है। तो गाइस, बोया ब्रांड की तरफ से गाइस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको आप लोग देख करके, अगर आपको नहीं आता है माइक चलाने या जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर गाइस आप नहीं जानते हैं, तो गाइस आप लोग जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और उस प्रोडक्ट को गाइस आप लोग अगर चलाने नहीं जानते हैं, तो गाइस ये जो डॉक्यूमेंट दिया रहता है इसमें उसका पूरा फीचर दिया हुआ रहता है कि उसको कैसे प्ले करना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से बोया बाई एम वन का गाइस ये जो डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अपना माइक। तो गाइस, इसमें दिया है कुछ टूल्स और एक दिया है गाइस इसमें एक बैटरी, तो और एक दिया है एक होल्डर जिसे गाइस अपने शर्ट में या अपने कॉलर में इसको प्रेस करके होल्ड कर सकते हैं। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब गाइस, आ गया है हमारे सामने फाइनली ये माइक। तो गाइस, आप ये जो माइक देख रहे हैं ये बोया बाई एम वन का माइक है
और गाइस ये 3.5 mm का जैक पिन है, और गाइस ये माइक है, और दोस्तों ये इसका कंडेंसर है इस माइक का। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बोया का ब्रांड दिया हुआ है, और गाइस यहाँ पर एक अप डाउन बटन है जिसमें गाइस अगर आप लोग इसको अप करेंगे तो ये कैमरा में काम करेगा, और डाउन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, स्मार्टफोन पे काम करेगा। तो गाइस ये माइक आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। और तो गाइस इसका जो केबल है वो 3 मीटर लॉन्ग है, और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक इसका जो वायर है काफ़ी ज़्यादा दूर तक आप लोग इसको वीडियो शूट करते टाइम इसको लगा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बोया भाई यमन के माइक से, और चलिए इसका टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाहर जा कर के। तो गाइस बस इतना ही अनबॉक्सिंग वीडियो था, क्योंकि गाइस बहुत सारा अनबॉक्सिंग वीडियो है तो कोई स्पेशल अनबॉक्सिंग वीडियो तो था नहीं। तो गाइस बस यही बोया भाई यमन का माइक है, और गाइस ये एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में है। तो चलिए गाइस बस इतना ही अनबॉक्सिंग करना था, और ये कुछ टूल्स दिया हुआ है, तो गाइस चलिए इसको मैं जब टेस्टिंग करूँगा उस टाइम इसके बारे में पूरा फीचर बताऊँगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।